जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग Realme Watch S2 में आने वाले तगड़े AI फीचर्स के बारे में। इस वॉच में दोस्तों AI पर्सनल असिस्टेंट और स्मार्ट डायल इंजन जैसे तगड़े AI फीचर्स दिए हुए हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे डीप में बताएंगे। वैसे दोस्तों ये जो वॉच है 13 जुलाई को 12 बजे लॉन्च होने वाली है, उसके बाद आपको डीप रिव्यू वीडियो भी इस वॉच का मिल जाएगा। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे AI पर्सनल असिस्टेंट वाला फीचर मिल जाता है। एक्चुअली में ये चैट जीपीटी 3.5 को यूज करके यहाँ पे टेक्स्ट जनरेटेड आंसर देता है और यहाँ पे आपको काफी सारे आंसर डिटेल में मिल जाते हैं। वैसे हमने भी इसका काफी यूज किया है। चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। आपको टेल मी अबाउट रियलमी के बारे में ही पूछ लिया और यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन को टेक्स्ट में यहाँ पे रिपीट करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट जनरेटिंग पे टैप कर देना है और आंसर आपको काफी डिटेल में मिल जाएगा। Realme Mobile is a Chinese smartphone manufacturer that was established in May 2018 as a sub-brand of Oppo Electronics Corporation. It was initially launched in the Indian market, but has since expanded to other countries worldwide. Realme focuses on providing affordable smartphones with competitive hardware specifications and features. The brand primarily targets the budget and mid-range segment. Tell me something about Taj Mahal. Taj Mahal is an iconic white marble mausoleum located in Agra, Uttar Pradesh, India. So, जो भी क्वेश्चन आप इससे पूछोगे वॉच के थ्रू ये Realme Link ऐप में जाएगा और वहां पे दोस्तों ChatGPT 3.5 का इससे खास सपोर्ट मिलता है, इसी वजह से काफी डिटेलिंग के साथ में ये आंसर करता है। सेकंड दोस्तों AI स्मार्ट डायल इंजन वाला फीचर है और यहाँ पे दोस्तों AI वॉइस के थ्रू आप यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू जो है पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये काफी बढ़िया और इससे आप यहाँ पे वॉच फेसेस में ला सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे बोलना है भी आपको ताजमहल चाहिए, सचिन तेंदुलकर चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए। मीन्स अगर आप यहाँ पे फ्लावर भी बोलोगे, रोज बोलोगे, तो यहाँ पे ये टैक्स से यहाँ पे आपको पिक्चर जनरेट करके दे देगा। ये काफी बढ़िया फीचर और इसी को आप डायल में रनिंग टाइगर इन फ्रंट ऑफ ट्राई किया। तो भाई AI से हमने बोला कि हमें ताजमहल के सामने रनिंग टाइगर चाहिए, दौड़ता हुआ टाइगर हमें ताजमहल के सामने चाहिए और यहाँ पे ये लिख के भी आ गया। जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट जनरेटिंग पे टाइप किया, यहाँ पे कुछ प्रोसेस चालू हो गई AI की और ये 100% होने के बाद कुछ इस तरह से आपको देख सकते हो आप, ये ताजमहल है और इसके सामने यहाँ पे टाइगर का ऑप्शन देखने को मिलता है। और जैसे ही जनरेट पे टैप करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइगर मिल जाता है ताजमहल के सामने। तो भैया यहाँ पे काफी सारे और भी ऑप्शन, जैसे यहाँ पे हमने और भी ट्राई किया कि चलो हमें यहाँ पे स्पाइडरमैन चाहिए, तो स्पाइडरमैन में हमने टैप किया और स्पाइडरमैन भी यहाँ पे थोड़े ही देर पे आपको देखने को मिल जाएगा जनरेट होके। काफी बढ़िया स्पाइडरमैन का डायल यहाँ पे तैयार किया है AI की मदद से और ये काफी एक्यूरेट तैयार करता है यार। यहाँ पे दोस्तों हमने और भी ट्राई किया, आप कुछ भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हमने पपी विथ हेड बोला और पपी विथ हेड यहाँ पे आ गया है, डॉगी आ गया है यहाँ पे हेड के साथ में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप अंदर ऐप पे भी जाके जैसे कुछ भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने ब्यूटीफुल गर्ल टाइप किया और यहाँ पे ऐप के थ्रू भी आप जो है डायल जनरेट कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका यहाँ पे आपको एडिट वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड जो ऐप है यहाँ पे जितने भी वॉलपेपर है आपकी गैलरी में AI वॉलपेपर सेव हो जाते हैं, तो काफी बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे AI डायल का है। तो भी लॉन्चिंग के बाद इस Realme Watch S2 का आपको रिव्यू मिल जाएगा जो कि तगड़े AI फीचर से लेस है। वैसे दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इस वॉच की क्या कीमत हो सकती है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद बोलते रहिए, वंदे मातरम।